सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल में कामा, करेंसी, पॉइंट और परसेंट आइकॉन को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, मार्च की वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एमएस एक्सेल ओपन करना है। आपको यहाँ पे वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आप कॉमा या परसेंट या पॉइंट आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए उसको सेलेक्ट करना है। ऊपर आपको सेल स्टाइल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट कॉमा है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कामा वाला। अगर आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कामा के साथ आपको पॉइंट और डबल जीरो भी इंसर्ट हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ कामा इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कामा इंसर्ट हो चुका है, पॉइंट जीरो जीरो इंसर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है करेंसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी कामा पॉइंट जीरो जीरो इंसर्ट हुआ है। अगर आपको करेंसी एक अनुसार सिर्फ कामा चाहिए तो आपको ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट जीरो जीरो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सिर्फ कामा और रुपी सिंबल शो हो रहा है। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा परसेंट वाला, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कॉलम में परसेंट इंसर्ट हो चुका है। आप जो चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमा लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कॉमा ही इंसर्ट हो चुका है। तो आप इस तरह से एमएस एक्सेल में कॉमा, करेंसी, पॉइंट और परसेंट सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक जिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।